चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें हो गया था शेप के बारे में, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था काइनेटिक एनर्जी, शेप डेंसिटी। अब क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री है, गिव रीजन, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली इन द वेजल इन विच इट इज कैप्ट। गैस फिल्स कम्प्लीटली इन द वेसल इन विच इट इज कैप्ट। सो यस प्रगति, आंसर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, अ गैस फिल्ड कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ट, गिव द आंसर। सो योर स्क्रीन इज नॉट डिस्प्लेड। नो बेटा डिस्प्ले है, आप लोग एक बार फिर से ज्वाइन हो जाओ। सर कैन आई टेल द आंसर? यस टेल द आंसर। सर द रीजन इज एज द गैस हैज मींस नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके सो इट इज स्टिल नॉट विजिबल। क्यों प्रियांशी मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर इट इज विजिबल। हां बेटा मेरी तरफ से विजिबल है, मैंने डिस्प्ले कर रखी है, ठीक है ना। देखिए इसका रीजन ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द गैसेज इज वेरी नेग्लिजिबल, बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल गैस कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन, दस अ गैस कैन फिल्ड द एम्प्टी ग्लास और यू कैन से विसल कम्प्लीटली इन विच इट इज कैप्ट। एग्री? यस सर। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वाई? चलो बताओ ऋषिका। कुड यू टेल मी द क्वेश्चन ऑन व्हिच क्वेश्चन वी आर सो आई कैन ओपन द पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी, सेकंड पीडीएफ। ओके वंस अगेन द क्वेश्चन इज, बेटा कल जो भेजा था सेकंड पीडीएफ। प्रगति यू गॉट द क्वेश्चंस? Yes, sir. Okay. Just now I'm opening the PDF. Okay. A gas exert pressure on the walls of the container. Bolo Rishika. A gas pressure क्यों exert करती है on the wall of container? Why? Sir, क्योंकि जो gas होती है उसकी जो kinetic energy होती है वो सबसे highest होती है तीनों matters में। तो उसका और जो उसका क्या कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो वो जिस भी कंटेनर के अंदर बंद होती है तो वो उसकी वॉल्स को अंदर से पुश करती है। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा आंसर कहा आपने। नाउ रीड इट बेटा, रीड करिए इसको। बिकॉज ऑफ द नेग्लिजिबल, because of the negligible force of attraction between particles of gases gas the particles of gas have the highest kinetic energy, these properties enable the particles of gas to move in all directions and hit the walls of container from all sides, because of this gas exerts pressure on the walls of the container in which it is kept. Exactly, very good. So third question is, a wooden table should be called a solid. Why a wooden table should be called a solid? Rishika, answer. Why a wooden table should be called a solid? सर क्योंकि जो जितने भी उसके एटम्स और जितने भी उसके वो रहते हैं एटम्स अंदर के वो एकदम कहते दे 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 डू नॉट हैव द स्पेस टू मूव फ्रीली एंड दे हैव द लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी दैट्स व्हाई। ओके नाउ यस बेटा एनीवन कैन आंसर प्लीज। बिकॉज़ दे हैव द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस बिकॉज़ दे हैव द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज़ वेल दे हैविंग द fixed position, atoms cannot move apart from each other, okay, so they are having the fixed position, they are having the fixed shape and fixed volume, okay, which are the all are the characteristics of solid, so that's why a wooden table can should be termed as a solid. Okay Priyanshi, read out the answer please. Yes sir, a wooden table has fixed shape and fixed volume which are the main characteristics of solid, thus a wooden table should be called as a solid. Next question, we can easily move our hand in air but if but to do same thing through a solid block of wood, a solid block of wood, we need a karate expert. Okay, so we can easily move our hand in the air but by placing some solid we cannot move our hand from the solid. Why? Answer Prakriti. Prakati? So the answer which I wrote is, the air molecules are very very far from each other due to the negligible force of attraction working between them. Okay. Yes, you have. What
get so sufficient space to move in the air, and we can also displace some air molecules by applying force. Okay. Anyone more can answer? Sir, the solid brick also have the highest force of attraction. That's why we cannot move our hand on the solid brick. So the molecules of solids are very close to each other, and there is Sir, no proper gap between them. Yes, Rishika, your turn. the molecules in solids are very tightly packed and does not leave the space so that we can move our hand freely. And then whereas in air, the molecules are very loose and give us the space to move our hand in freely. Okay, now Pragati, read the answer. Is screen is visible or Yes. not? Since air is gas, so its particles are loosely packed, and there is negligible force of attraction between its particles. Because of that, we can easily move our hand in air. But wood is a solid, so the force of attraction between its particles is greatest. The particles of wooden block are closely packed. That's why we cannot move our hand through a solid block of wood. However, a karate foot can exert required pressure to break the great force of attraction of the particles of a solid wooden block. Exactly. Next question, question number 4. Liquid generally have lower density as compared to the solid, but liquid generally have lower density. एक सेकेंड बच्चों. ओके स्टूडेंट, सो लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट ये यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट इन वाटर, फाइंड आउट द वे. देखो बच्चों, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम हुआ करती है, मगर उसके बावजूद भी जो आइस होता है वो पानी के ऊपर तैरता है. क्यों बताओ प्रियांशी, वाई द आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर? Sir, because while the freezing, when the water freeze, there is some space left between the particles of water. So some air is trapped between that particles. That's why the ice floats on water. ओके, वेरी गुड, एग्जैक्टली. सो रीड द आंसर बेटा. ड्यूरिंग Yes, sir. During freezing of water, some space between the particles of water is left vacant with some air trapped between them. These empty spaces having air in them makes the density of ice lower than that of water. That's why ice floats on water. एग्जैक्टली, सो दिस इज द रीजन द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन टू सेल्सियस स्केल. सो गाइज, टू कन्वर्ट सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फ्रॉम द केल्विन. व्हाट यू नीड टू डू, कैन यू टेल मी? सबट्रैक्ट टू टू ऐड द वैल्यू ऑफ केल्विन बाय बाय 273. एग्जैक्टली, वेरी गुड. सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. नाउ विच इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड? वाटर विल बी अ इन विच स्टेट? गैस गैसियस स्टेट. एंड इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज इन? सर, लिक्विड और गैस पोस्ट. या इट विल बी इन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट. ओके, बोथ इन लिक्विड एज वेल एज गैसियस, बिकॉज देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज अ लिक्विड एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? बताइए, चेंज ऑफ स्टेट के दौरान टेम्परेचर क्यों कॉन्स्टेंट रहता है? So because actually there is some background noise. यस बोलो प्रियांशी. यस सर. सर, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द द अमाउंट ऑफ हीट विच इज सप्लाइड और द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज, दैट हीट इज यूटिलाइज्ड बाय द फेज चेंज एंड दिस हीट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट. एग्जैक्टली, सो ये जो हीट होती है, चाहे आप दे दो या ले लो, वो एक्चुअली स्टेट चेंज के काम में आ जाती है, वो स्टेट को बदलने के काम में आ जाती है. इसलिए जब तक स्टेट बदलेगी तब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा. दैट्स वाई द हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, बिकॉज इट इट मे एक्सचेंज बट द टेम्परेचर विल बी रिमेन सेम. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लेटेंट. लेटेंट मतलब छिपा हुआ. सो इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. यस बेटा. सो कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन? यस बेटा, अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस को अगर गर्म करते हो, मेल्ट होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बर्फ आइस होगी वो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में रिप्लेस होगी, पहले कन्वर्ट होगी. तो मतलब दोनों, जो पानी का और आइस का टेम्परेचर सेम रहेगा. तो
तो वो जो हीट थी वो कहाँ चली गई, वो हीट आइस के मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने में चली गई, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। यस बेटा बोलो। सर आई सॉ अ वीडियो ऑन यूट्यूब दैट अ गाय वाज देयर, ही हैज हीटेड एन आइस क्यूब एंड ही हैज पुट आइस क्यूब इन हिज माउथ, ऑल एज ही पुट दैट आइस इन हिज माउथ अ स्मोक केम आउट फ्रॉम हिज माउथ, सो व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? दैट इज नॉट अ स्मोक, दैट इज बेटा, दैट इज द सॉलिड इज ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। ओके, द टाइप ऑफ दैट इज नॉट अ प्योर आइस, दैट इज ड्राई आइस। ओके, ड्राई आइस, that is sir, if we perform it with a normal ice cube it won't happen? Yes, happen, even I have performed this experiment, so no problem with that. Okay, that is carbon dioxide. Okay, it is frozen carbon dioxide. So frozen carbon dioxide when came in touch with the saliva or you can say water, it giving you white fumes, a lot of white fumes are there. Okay, so people think that some magic is there, but there is no magical trick. Okay, that is called dry ice. Okay sir. Okay, sir, I wanted to ask the question. Yes. So what is the reason of for the cream of the milk that malai means? Malai ka kya reason hota hai? Banne ka? Yes, sir. Oh, malai jo hai wo colloidal state hai na wo milk ka. मिल्क एक्चुअली जो मिल्क में जब मलाई बनती है तो जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं मिल्क के गर्म करने से। ओके, यस सर, हल्के पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं क्योंकि उनमें एक दूसरे को पास बुलाने का फोर्स लगता है। ओके, तो वो बन करके इकट्ठे हो जाते हैं तो कोलाइडल स्टेट में मिल्क पहुंच जाता है, मतलब कि उसकी जो नॉर्मल जो मिल्क की साइज होती है उससे ज़्यादा साइज इन पार्टिकल की होती है, तो ये पार्टिकल जो होते हैं ये इनसे ज़्यादा साइज के हुआ करते हैं, बट ये लाइट वेट होते हैं कंपेरेटिवली, है ना। अगर अगर ये हैवी होते तो नीचे चले जाते, तो ये लाइट वेट होने के कारण ऊपर आ जाते हैं। जैसे क्रीम, आपने देखा होगा क्रीम जब बनती है तो क्रीम ऊपर ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो इस वजह से ये एक फेज तैयार हो जाती है, वो मलाई है, ठीक है। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर एंड कूल बेटर इन अ हॉट ड्राई डे? बच्चों, सर्दियों के समय में जो रात होती है ना डेजर्ट की, गजब ठंड होती है, बहुत ज़्यादा वाली ठंड हुआ करती है रात डेजर्ट की, तो रीज़न रीज़न क्या है बताइए, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? गर्मियों के दिन में जो डेजर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्यों? सॉरी, डेजर्ट कूलर है बेटा ये, तो चलो ठीक है, डेजर्ट कूलर है। अरे ये वो क्वेश्चन नहीं जो मैं भूल गया, सॉरी बच्चों, ये डेजर्ट कूलर की बात हो रही है, ये डेजर्ट कूलर की बात हो रही है, ये जो मैंने कल पढ़ाया था, ये डेजर्ट नहीं है, रेगिस्तान वाली बात नहीं हो रही है, ये जो हमारे नॉर्मल कूलर जो चलते हैं ना उनका नाम इसने बेवजह डेजर्ट कूलर दे दिया है। तो कौन सा हम लोग अपने घरों में कूलर चलाते हैं, डेजर्ट कूलर थोड़ा ना ले जाते हैं कि डेजर्ट में जाके राजस्थान में जाके कूलर चलाएंगे, नथिंग लाइक दैट। ओके, तो जो सिंपल हमारे जो कूलर होते हैं उन्हीं को डेजर्ट कूलर बोलते हैं। एक लाइन में आंसर बताओ कि जो हमारे कूलर होते हैं वो ड्राई वेदर में, ड्राई डे में अच्छा काम करते हैं, अच्छा ठंडा करते हैं, रीजन बताओ क्यों? So that is totally depend on the evaporation. Exactly, और ड्राई डे में evaporation की रेट ज़्यादा होती है comparative to humid day. समझ गए ना? Yes. हाँ, तो ड्राई डे में evaporation की रेट ज़्यादा होती है comparison to humid day. पढ़ो आंसर प्रियांशी, डेजर्ट कूलर। Yes sir. Desert cooler works on the basis of evaporation. In hot and dry days, the moisture level is very low in atmosphere, which increases the rate of evaporation. Because of fast evaporation, cooler works well. That's why desert cooler cool better on a hot dry day. Exactly. So that's why the desert cooler cool better on a hot dry day. Next question number 2. How does the water kept in the earthen pot matka becomes cool during summer? Okay, explain Pragati. Why the water kept in the earthen pot, or you say matka, becomes cool during summer? Why it is normally most cool compared to the outside water in hot dry day? So the water that is stored in the earthen pot evaporates faster through the pores that are present on the surface of that matka. Okay, exactly. So the particles gets energy from the inside, okay, and make the earthen pot more cooler. Clear? Yes, sir. Okay. Padho isko Priyanshi. Water from the porous wall. Yes, sir.
Water from porous wall of earthen pot evaporates continuously, which lowers the temperature of water kept in the earthen pot. In summer, moisture level is very low in the atmosphere. This increases the rate of evaporation, as evaporation is inversely proportional to the moisture level in atmosphere. That is why the summer water kept in the earthen pot becomes cool. Exactly. Next question is question number 3. Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume in it? जब भी अपने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा परफ्यूम डाल दो, एसीटोन मतलब वो थिनर जो नेल पॉलिश छुटाने के काम में आता है, या आप यहाँ पर थोड़ा सा क्या डाल दीजिए, अभी सैनिटाइज़र चल रहा है वो डाल दो, ओके, या एसीटोन डाल दो या पेट्रोल डाल दो, अगर आप इन सारी चीज़ों को चलते हैं डालते हैं हाथ में तो आपके हाथ को कूलिंग सेंसेशन होती है. क्यों बोलो ऋषिका, क्यों होती है? ऋषिका बताइए क्यों होती है कूलिंग सेंसेशन हाथ को आपके? Yes, sir, can you repeat the question? Question number 3 it is. Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol perfume or you can say thinner? Sir, because of the volatile liquid, sir. Any type of acetone we put on our hand, sir, it feels cold because of the volatile liquid present in it. It evaporates very quickly, that's why. Yes, it's evaporate very quickly. Okay, yes, exactly. हाँ, पढ़ो बेटा आंसर पढ़ो. When acetone or petrol or perfume is poured over our palm, it evaporates quickly as these are volatile liquids. The evaporation lowers the temperature of palm and our palm feels cool. Exactly. So ये हमारे हाथ का temperature palm का घटा देता है and we feeling it cold. Next question number 4. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? कप की तुलना में बेटर होता है कि हम लोग जो चाय पिए या कॉफ़ी पिए वो saucer यानी कि प्लेट आती है चाय पीने वाली, उसमें पिए. बताइए प्रियांशी, what is the reason behind this? Sir, the main reason is due to the surface area. As the liquid exposed over a large surface area, then a small cup and this large surface area enables the fast cooling of hot tea or milk. That's why. Okay, exactly. There will be a much more evaporation. Okay, if more the surface area will be exposed to the air, there will be a high amount of evaporation. Okay, so that's why. Yes, answer padho Pragati, when a tea or milk. Padho Priyanshi answer, when a hot tea or milk. Yes, sir. When hot tea or milk is kept in a saucer, the liquid is exposed over a large surface area as compared to in case of the liquid being kept in a cup. Sir, please wait a minute when our background noise is there. Yes, sir. The larger surface area enables the faster cooling. That's why we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup. Exactly. So then guys, this is the complete of this chapter, okay, and kindly complete both these two sheets and give me your written evidences please. Isko aap log complete karke mereko jaldi se jald aap iska solution